राजा रानी बड़ा पाव की तरह फेमस। और ये ऑन हैट्रिक थे। और यहाँ पे चेरन क्या मिलता है? चेरन पन्नू ने अपना दिखाया, बहुत ही पन्नू पूरी ताकत झोंक दी थी ये गेंद में। पोलार्ड का पावर लगा मुझे तो पहले। पन्नू ने अपने मसल से मसल दिया है बराबर से बराबर बोल को और खेल गया लेफ्ट साइड की तरफ। थर्ड सिक्स, ये मैं क्या देख रहा हूं रॉकेट की गति से गई है ये गेंद। ये तो जा रही है मार्स पे गेंद। पन्नू ने अपने मसल से मसल दिया है सामने वाली टीम को, बॉलर को पड़ेगा भाई, पन्नू भाई का मानना पड़ेगा, बहुत ही दमदार खिलाड़ी। नीरो भाई आप देखिए लगातार बैक टू बैक, और ये फील्डर फील्ड में जाएगा और ये फील्डर नीचे ना जो, लेकिन फिर हैट्रिक छक्का, गजब का ये प्लेयर है, गजब की इसकी पावर। मैंने तो आपको पहले ही बोला था ये बैट्समैन बहुत ही दमदार है। बिल्कुल नीरो, लेकिन मैंने इन्हें अभी तक खेलते हुए नहीं देखा था, शुरू के दो मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी मुझे आपने दुविधा टॉप लिस्ट में रखने के लिए। बिल्कुल अरे भाई डिस्कशन है हमारा। और यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन हो चुके अब तक, 77 और फिर से उठा दिया है। माय गॉड, ये और ये देखना पड़ेगा क्या है, ये गेंद वापस नहीं आने वाली। एम्पायर का इशारा फौरन बैक टू बैक फील्डर प्लीज अंदर नहीं जाए। और ये पांच ओवर की समाप्ति पे 83 रन, स्कोर बहुत ही सम्मानजनक स्कोर है ये। नीरो मुझे तो जैसा लग रहा था कि ये स्कोर रुक गया, उसी प्रकार में तो इसने तो उछाल लिए, गजब चार छक्के, एकदम गगनचुम्बी छक्के अपने रन में, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ लाते हुए। यस, चंद्रयान से एक दो बॉल ऊपर आ रही है नीचे भी, मार्च एंडिंग में इतना ग्रोथ पन्नू द्वारा। पन्नू भाई की अपने आप की पीसीपीएम बहुत ही जबरदस्त है, गजब। और ये आखिरी ओवर की पहली बॉल और एक कट लगा उधर जाओ एक रन के लिए, बहुत ही बढ़िया। ओह, एक ही रन मिलेगा और फिर से हमें देखना